दोस्तों, यदि आप अपने लिए एक वाटर हीटर या फिर मैं कहूं तो एक गीज़र खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा वाटर हीटर गीज़र आपको ख़रीदना चाहिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर गीज़र का। इस कंपैरिजन को देखने और समझने के बाद आप इस वीडियो के अंत में आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वाटर हीटर गीज़र आपको ख़रीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए इंस्टेंट वाटर हीटर गीज़र और स्टोरेज वाटर हीटर गीज़र का डिटेल कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंट गीज़र के बारे में। जैसा कि इसके नाम में ही दे रखा है, इंस्टेंट यानी कि ये वाटर हीटर आपको कुछ ही सेकेंड्स में गर्म पानी देता है। यदि आप अपने ऑफिस या फिर किसी भी ज़रूरी काम के लिए लेट हो चुके हैं और आपको नहाने के लिए जल्दी से गर्म पानी चाहिए, तो इंस्टेंट गीज़र आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्टोरेज गीज़र की, तो ये वाटर हीटर पानी को गर्म करने में 5 से 10 मिनट लेता है। यानी कि ये स्टोरेज गीज़र इंस्टेंट गीज़र के मुकाबले पानी गर्म करने में ज़्यादा समय लेता है। पॉइंट नंबर 2, इंस्टेंट गीज़र्स की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। ये आपको 1 से 3 लीटर में मिल जाते हैं, इसलिए इनकी साइज़ भी छोटी होती है और ये गीज़र ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करते हैं। जबकि स्टोरेज गीज़र्स की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये आपको 10 से 25 लीटर के आसपास मिल जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं और इनकी साइज़ भी बड़ी होती है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टेंट गीज़र्स में आपको टैंक नहीं मिलता, बल्कि इसमें आपको हीट एक्सचेंजर, बर्नर और वाटर फ्लो सेंसर जैसी 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स मिलती हैं। इंस्टेंट गीज़र्स की वर्किंग प्रिंसिपल कैसी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप नल चालू करते हैं तो इनलेट पाइप के थ्रू इस गीज़र में पानी एंटर होता है और वाटर फ्लो सेंसर पानी को डिटेक्ट करता है। उसके बाद इंस्टेंट गीज़र का ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इस गीज़र में मौजूद बर्नर को इग्नाइट करता है, यानी कि आग से जलाता है, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंजर हीट प्रोड्यूस करता है। और जब पानी हीट एक्सचेंजर के अराउंड सर्कुलेट होता है, तो पानी आपके सेट किए हुए डिज़ायर टेम्परेचर पर गर्म होता है और फिर गर्म पानी आउटलेट पाइप के थ्रू आपको मिलता है। और जब आप नल को बंद कर देते हैं, तब इस गीज़र का टोटल यूनिट शट ऑफ हो जाता है। तो ये होता है इंस्टेंट गीज़र का वर्किंग प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टोरेज गीज़र्स की। दोस्तों, स्टोरेज गीज़र में आपको टैंक मिलता है। इसका स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये गर्म पानी को स्टोर करके रखता है, जिससे कि आप पानी को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। रही बात इसके वर्किंग प्रोसीजर की, तो इसकी वर्किंग प्रोसीजर भी इंस्टेंट गीज़र्स के वर्किंग प्रोसीजर की तरह मिलती जुलती है, क्योंकि इस गीज़र में भी आपको इनलेट पाइप मिलता है जिसके थ्रू पानी एंटर होता है और आउटलेट पाइप के थ्रू एग्जिट होता है। स्टोरेज गीज़र पानी को गर्म करने में इलेक्ट्रिसिटी या गैस का यूज़ करते हैं और इसमें आपको एनोड रॉड मिलती है, जो इस वाटर हीटर को जंग लगने से बचाती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। इंस्टेंट वाटर हीटर गीज़र आपको इंस्टेंटेनियसली हॉट वाटर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते और आपके बिजली और पैसे दोनों की भी बचत होती है। सरल भाषा में कहा जाए तो इंस्टेंट वाटर हीटर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, जबकि स्टोरेज गीज़र्स पानी को गर्म करने में ज़्यादा समय लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और ये कम एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। पॉइंट नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट गीज़र्स में आपको वाटर फ्लो डिटेक्टर, हीट एक्सचेंजर और ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम मिलता है, इसलिए ये पानी को ओवरहीट होने से बचाते हैं, जबकि स्टोरेज गीज़र्स में पानी ओवरहीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 6, इंस्टेंट वाटर हीटर्स टैंकलेस होते हैं, इसलिए इनका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होता है, जबकि स्टोरेज वाटर हीटर्स का लाइफ स्पेन कम होता है। पॉइंट नंबर 7, यदि आप गर्म पानी का उपयोग लॉन्ड्री, शावर लेने के लिए या फिर दूसरे किसी भी काम के लिए करना चाहते हैं, तो इंस्टेंट गीज़र्स आपको सूट नहीं करते। इसकी जगह स्टोरेज गीज़र्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हार्ड वाटर की समस्या ज़्यादा रहती है, तो इंस्टेंट गीज़र्स आपको नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इनका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इनकी जगह आप स्टोरेज गीज़र्स के साथ जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 एंड लास्ट पॉइंट, इंस्टेंट गीज़र्स स्टोरेज गीज़र्स के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टोरेज गीज़र्स में 10 लीटर के कैपेसिटी की प्राइस 6 से 8 हज़ार रुपये होती है, वहीं दूसरी तरफ इंस्टेंट गीज़र्स में 6 लीटर के कैपेसिटी की प्राइस 6 से 8 हज़ार रुपये होती है।
तो दोस्तों यदि हम इस कंपैरिजन का ओवरऑल समरी देखें तो इंस्टेंट गीजर्स को मिलते हैं 6 पॉइंट्स और स्टोरेज गीजर्स को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। यहाँ पर जीत होती है इंस्टेंट गीजर्स की। अब आइए दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसे इंस्टेंट गीजर खरीदना चाहिए और किसे स्टोरेज गीजर खरीदना चाहिए। दोस्तों यदि आपके पास समय कम रहता है, यदि आपको सुबह काम पर जल्दी जाना पड़ता है, तो आप बिना किसी डाउट के इंस्टेंट गीजर्स खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर पर हार्ड वाटर की प्रॉब्लम रहती है, यदि आपको शावर लेने की आदत है, यदि आपके पास ज़्यादा समय रहता है, या फिर आप गर्म पानी का उपयोग नहाने के साथ साथ लॉन्ड्री या फिर दूसरे किसी भी काम के लिए करना चाहते हैं, तो आप स्टोरेज गीजर्स के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा वाटर हीटर गीज़र खरीदना चाहिए। यदि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा गीज़र खरीदना चाहिए, तो आपके काम को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर top 3 बेस्ट इंस्टेंट गीजर्स और top 3 बेस्ट स्टोरेज गीजर्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, जिनकी लिंक्स मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिना वीडियोस देख के ही अपने लिए एक बेस्ट वाटर हीटर गीज़र खरीदना चाहते हैं, तो मैंने इंस्टेंट और स्टोरेज दोनों भी वाटर हीटर गीजर्स की बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के आगे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।